सब बंदा हाजिर और शुरू करते हैं सबसे वायरल न्यूज के साथ में, जो कि है धूम 4 के बारे में। यश राज चोपड़ा अपने नेक्स्ट मूवी पे काम कर रहे हैं और जिसके बारे में न्यूज निकल करके ये आ रहा है कि धूम 4 में सूर्या, जी हाँ, जो अपने आपको रोलेक्स के अवतार में दिखे हैं और इससे पहले ना जाने कितने जबरदस्त जबरदस्त रोल पे दिखे हैं, जिनके एक फिल्म को खुद रीमेक करके जो है एक फिल्म बनाई गई थी गजनी, तो भाई वो एक्टर जो है अभी धूम 4 में होने वाले हैं। और यूं समझ लो कि ऋतिक रोशन या फिर जॉन अब्राहम या फिर आमिर खान जो धूम 3 में थे, वही वाले कैरेक्टर यानी एंटागोनिस्ट का रोल ये प्ले करने वाले हैं। सूर्या इस मूवी में होने पे कितना ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है आपको? और ये न्यूज अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है इस न्यूज के बारे में, जस्ट ये चल रही है। और ये कितना असरदार हो सकता है, क्या ये सच है या एक रूमर है, इसके बारे में भी कंफर्मेशन बहुत जल्द मिल जाएगी। जहां तक मुझे लगता है सूर्या को धूम 4 में ले लेंगे ऐसा लग रहा है, और जब वो लेंगे तो भाई क्या होने वाला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल कोलैबोरेशन का बहुत ज्यादा माहौल चल रहा है कि बॉलीवुड कोलैब कर रहे हैं साउथ इंडस्ट्री की तरफ से, तो भाई ये चीज हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो खबर ये है शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है किंग, जिसके साथ में सुहाना खान डेब्यू करने वाली है, इस फिल्म के साथ में रिलीज होने जा रही है संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर, जिसमें रणबीर कपूर होने वाले हैं। अब ये चीज इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, इतना ज्यादा डिबेट क्यों मचा करके रखा है ट्विटर पे, एक्स पे? उसके पीछे का रीजन ये है कि एक टाइम पे जब ओम शांति ओम और सावरिया आ रही थी, ये दोनों मूवी का क्लैश हुआ था, क्रू में ही शाहरुख खान से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप ओम शांति ओम का डेट चेंज कर लीजिए ताकि मैं सावरिया रिलीज कर पाऊं, और ये रणबीर कपूर का डेब्यू फिल्म है, पर ऐसा नहीं हुआ और दोनों फिल्म आपस में टकराई और रिजल्ट सबको पता है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि सावरिया में कितना दम था, जो वो अगर सोलो रिलीज होती तो हिट हो जाती, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि ओम शांति ओम के होने के वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन उसी चीज को लेकर के, लेकिन उसके बाद से शाहरुख खान की फिल्म का टकराव संजय लीला फिल्म के साथ में जो है फिर से एक बार हुआ, जब बाजीराव मस्तानी आ रही थी उस वक्त में भी डेट चेंज करने की बात हो रही थी, लेकिन बाजी बाजीराव मस्तानी ने मारा था। तो यहाँ पे कोई, मुझे नहीं लगता कि ईगो वाली बात है, लोग अपने डेट को लेकर के अड़ जाते हैं, लोगों को अपने फिल्म में कॉन्फिडेंस होता है, जिसके फिल्म में दम होता है वो फिल्म आगे निकल जाती है। जैसे कि आपको पता होगा रईस और काबिल के टाइम पे क्या हुआ था, बाजीराव मस्तानी और उस मूवी फैन के साथ में क्या हुआ था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी मुझे लगता है लव एंड वॉर भी, बिल्कुल मुझे वैसे ही लगता है कि लव एंड वॉर और किंग में जिसमें भी ज्यादा दम होगा वो सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले जाएगी। अब बात होगी फिल्म की कि लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, कुछ बातें होंगी फैंस की और कुछ बातें होंगी कि नहीं भाई फिल्म में वो दम नहीं था तो मुझे नहीं अच्छा लगा और फिल्म फ्लॉप हो गई, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर लोगों का डिबेट ये चालू है कि ये टकराने वाले हैं। टकराने से याद आया कि इस दिवाली में और दो मूवी टकराने को जा रही है, वो है भूल भुलैया 3 और सिंघम 3। इन दोनों मूवी का जो टकराव होने जा रहा है इस पे भी वही चल रहा है कि सिंघम 3 पीछे नहीं हट रही है, भूल भुलैया 3 अपने डेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि उनको भी दिवाली पे ही रिलीज करना है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये आखिर क्यों हो रहा है। देखो, टी सीरीज वालों को अपने भूल भुलैया सीरीज के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। भूल भुलैया 2 ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे अपना कलेक्शन बनाया था उसके हिसाब से उनके दिमाग में चल रहा है अजय देवगन जस्ट लाइक अ शेयर मार्केट, कभी अप कभी डाउन, उनके फिल्मों के साथ कुछ भी हो सकता है। और रोहित शेट्टी ने लास्ट फिल्म फ्लॉप, उसके बाद से रोहित शेट्टी जो कभी भी फ्लॉप नहीं दे सकते थे, उन्होंने भी दिलवाले और सर्कस को फ्लॉप दिया है, तो भाई सिंघम 3 जरूरी नहीं है कि हिट हो जाए, और मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं अपना भूल भुलैया 3 रिलीज करूंगा। शायद इसी कॉन्फिडेंस के वजह से कोई भी अपना डेट नहीं चेंज करना चाह रहा है। वहीं पे अगर मैं सिंघम 3 की बात करूं तो सिंघम 3 में दो ऐसे हाइलाइट्स हैं जिसके वजह से फिल्म की नैया डूब सकती है। फर्स्ट अर्जुन कपूर, दूसरा टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ अपने सोलो फिल्मों में तो भाई लंबे लंबे हग रहे हैं भाई, उनके फिल्मों का कोई लेना देना नहीं है, कि बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन और उनकी जो दुनिया चल रही है पिंकी वर्ल्ड, जिसके हिसाब से उनको लगता है कि वो बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किधर नहीं है ना, तो ये वो दो पनौती है जो कि इस फिल्म को डुबा सकती है। वहीं पे रोहित शेट्टी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मैं इसके अंदर में कुछ और भी कैमियोज ऐड करने वाला हूं, लाइक अक्षय कुमार एज अ सूर्यवंशी, और अपना सिम्बा और सिंघम तो है ही भाई, पूरा का पूरा बॉक्स ऑफिस हिला डालेंगे। तो हां, मुझे इस बात पे विश्वास है, और रोहित शेट्टी की मेहनत बहुत जबरदस्त होती है, खास करके जिस तरह से एक्शन सीन्स पे काम होते हैं उसको थिएटर में देखने का मजा ही कुछ और होता है। तो सिंघम 3, भूल भुलैया 3 ये दोनों टकराने वाली है, इसमें मेरा ये टेक है, आपका क्या टेक है कमेंट करके बताना। ये कुछ अपडेट्स थे, लेकिन इसके अलावा एक सेलिब्रेशन वाला अपडेट है जो कि सलमान खान फैंस के लिए और जो नए नए एटली के फैन बने हैं लाइक मी, मुझे एटली के बारे में कुछ नहीं पता था, इन एटली सलमान खान और कमल हसन सर एक साथ आने वाले हैं फिल्म में। तो भाई एटली कुमार और सलमान खान को मिला करके, मतलब ये जो एक कॉम्बो है, मैं ट्रूली दिल से चाहता हूं कि सलमान खान के पास जितना स्टारडम है और सलमान खान की जो कैपेबिलिटी है, उनकी एक्टिंग को कोई भी सही से यूज नहीं कर पाता है, हर वक्त जो उनको एक क्रिंज सा एक्टिंग पकड़ा देते हैं, क्रिंज से लाइन, क्रिंज से डांस और ऐसे क्रिंजी चीजों को देखने के बाद लोगों का विश्वास उठ गया है। लेकिन जहां तक मैंने सलमान खान के स्टारडम बचपन से देखा है, आज भी
कोई भी बच्ची बड़ी होती है, भले से वो 6 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, वो आज भी बोलता है मेरा फेवरेट सलमान खान। तो समझ पा रहे हो ये बंदा क्या डिजर्व करता है, लेकिन इसको बॉलीवुड कुछ अलग तरह से नंगा नाच करवा रही है जो कि ये बंदा कहीं से भी डिजर्व नहीं करता। एंड आई बिलीव कि एटलीस्ट वो बंदा है जो सही से स्टारडम को यूज करता है, सही से प्रेजेंट करता है कि स्टार को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। और मास एलिमेंट में तो भाई बाप है, आज के डेट में तो यही चल रहा है, सबका डाउनफॉल आता है। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि एटलीस्ट सलमान खान को वो वाली पहचान देने के अपना डाउनफॉल देखे, मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद है। एटली का अभी जन्मदिन आने वाला है, हो सकता है बर्थडे में एटली ये अनाउंस कर दे कि नेक्स्ट फिल्म सलमान खान के साथ में क्या होने वाला है। और जब बात सलमान खान की मूवी की हो ही रही है, तो भाई A.R. मुर्गोडॉस जो है उनको लेकर के फिल्म बना रहे हैं सिकंदर। सिकंदर के बारे में बहुत कुछ नहीं आ रहा है, बस छोटे छोटे अपडेट्स आ रहे हैं कि कौन सी हीरोइन जो है ज्वाइन की है और कौन ऐड होने वाले हैं, ये सारी चीजें चल रही है। तो सिकंदर के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि कब एटली सलमान खान को लेकर के फिल्म बनाएगा। भले से 2027 में है, लेकिन मुझे सलमान खान का वो वाला ऑरा देखना है जो एटली बना करके देने वाला है। आई एम ट्रूली एक्साइटेड, आप बताओ आपका क्या टेक है। दिस वॉज द गर्मा गर्म खबर, कमेंट करके बताओ आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और किस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।